हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी है चॉकलेट आइसक्रीम। देखिए कितनी क्रीमी बनी है हमारी चॉकलेट आइसक्रीम। बहुत ही टेस्टी, सिंपल एंड इजी तरीके से आज मैं इसे बनाकर दिखाने वाली हूं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस चॉकलेट आइसक्रीम को बनाने के लिए हमने आज चॉकलेट बिस्किट का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी ब्रांड का चॉकलेट बिस्किट्स ले सकते हैं। अब बिस्किट्स को मिक्सी में डाल दें और इसमें 2 बड़ी चम्मच मिल्क पाउडर डालें और 1 चुटकी नमक डालकर इसे ग्राइंड कर लें। देखिए हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें 200 ml मिल्क डाल दें और 6 से 7 ड्रॉप वनीला एसेंस डालकर इसे फिर से ग्राइंड कर लें। ग्राइंड हो जाने के बाद इसमें 200 ml मिल्क और डाल दें। हमने यहाँ पर टोटल 400 ml मिल्क का इस्तेमाल किया है। अब इस मिक्सचर को एक कंटेनर में डाल दें और इसका ढक्कन लगाकर इसे 2 घंटे तक फ्रीज़र में जमने दें। 2 घंटे बाद इसे फिर से मिक्सी में डालें। इस प्रोसेस से आपकी आइसक्रीम हार्ड नहीं बनेगी। हमने आइसक्रीम को मिक्सी में डाल दिया है। अब इसमें 1/2 कप दूध की मलाई डालें। मलाई हमारी ज़्यादा गाढ़ी थी इसीलिए इसमें घी दिख रहा है। आप नॉर्मल मलाई भी डाल सकते हैं। आप इसमें मलाई ज़रूर ऐड करें, इससे आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनती है और सॉफ्ट बनती है। अब इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डालें। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बस अब और कुछ भी नहीं डालना है। इसका ढक्कन लगा दें और इसे और एक बार 1 मिनट तक ऑन ऑफ करते हुए इसे ग्राइंड कर लें। 1 मिनट बाद देखिए हमने यहाँ पर इसे चर्न कर लिया है। देखिए इसमें कितना फोम क्रिएट हुआ है। तो चलिए अब इसे हम कंटेनर में डाल देते हैं। कंटेनर छोटी थी इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरे कंटेनर में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। मैंने इस चॉकलेट आइसक्रीम को सिंपल घर में रहने वाली चीज़ों से ही बनाया है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, यह बहुत अच्छा बनता है। अब इसे फॉइल पेपर से ढक दें और ढक्कन को लगाकर 6 से 7 घंटे तक या फिर ओवरनाइट फ्रीज़र में जमने दें। 6 घंटे बाद हमने कंटेनर को निकाल लिया है। अब इसका फॉइल हटा दें। देखिए हमारी आइसक्रीम जम गई है। अब इसे हम सर्व कर लेंगे। देखिए कितनी क्रीमी बनी है हमारी आइसक्रीम। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आप इसे चॉकलेट सिरप या फिर चॉको चिप से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी है। आप भी इसे बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।